दोस्तों, भारत अपनी कई खूबसूरत चीजों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस देश की सुंदरता में जो सबसे ज्यादा चार चांद लगाते हैं वो है यहाँ के आलीशान और महंगे होटल, जिनका एक रात का किराया इतना है कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ एक विदेश ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि भारत के सात सबसे महंगे होटल। अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर हमारा देश भारत किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ की पहाड़ी, घाटियां, झील, समंदर किनारे आदि इस देश की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। भारत को लेकर पर्यटकों की दीवानगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ सालाना लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा विदेशी सैलानी घूमने के लिए आते हैं। इसी आन बान शान में शामिल होते हैं भारत के सबसे महंगे होटल, जिनका एक दिन का किराया इतना है कि इंसान अपना मालदीव का सपना पूरा कर ले। लेकिन महंगे होने के साथ साथ लग्जरी क्या होती है, इसका उदाहरण सिर्फ और सिर्फ आपको इन्हीं होटलों में देखने को मिल सकता है। तो चलिए आपको भारत के सबसे महंगे होटलों के बारे में बताते हैं। ओबेरॉय अमर विलास आगरा। आगरा शहर में मौजूद ये आलीशान होटल ताजमहल से महज 600 मीटर की दूरी पर मौजूद है। सबसे रोमांटिक बात यह है कि ओबेरॉय अमर विलास होटल से आप ताजमहल का भी दीदार कर सकते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, जिस होटल से ताजमहल दिखता हो उस होटल का एक रात का किराया कितना होगा, नहीं मालूम तो हम आपको बता दें, इस होटल में एक रात का किराया मिनिमम 25,000 और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए के करीब है। रामबाग पैलेस जयपुर। जिस तरह से जयपुर अपनी शाही चीजों के लिए जाना जाता है, उसी तरह से इस शहर का खूबसूरत और भारत का सबसे महंगा होटल रामबाग पैलेस भी अपनी आलीशान मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। रामबाग पैलेस का निर्माण 1835 में हुआ था, जिसे बाद में होटल में तब्दील कर दिया गया। होटल में 33 शानदार सूट्स है और इसका खूबसूरत डाइनिंग हॉल किसी सपने से कम नहीं है। यहाँ एक रात का किराया मिनिमम 24,000 और मैक्सिमम 4 लाख रुपए के आसपास है। उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर। उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण 1928 और 1943 के बीच में जोधपुर की सबसे ऊंची पहाड़ी चित्तर पहाड़ी पर किया गया था। ये 5 स्टार होटल एक ऐसी जगह है जहां जाने का सपना हर सैलानी का होता है। यह पैलेस 3 हिस्सों में बटा हुआ है, एक शाही निवास, दूसरा लग्जरी होटल और तीसरा म्यूजियम। यहाँ एक रात का किराया 21,000 और मैक्सिमम लगभग 4 लाख रुपए है। ताज फलकनुमा पैलेस हैदराबाद। हैदराबाद में मौजूद ये लग्जरी होटल महल के अंदर स्थित है। महल का निर्माण 1893 में पूरा हुआ था और यह प्रतिष्ठित चार मीनार से केवल 5 किलोमीटर दूरी पर है। आपको बता दें, ताज फलकनुमा पैलेस साल 2010 में ताज होटल्स ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ था। इसी शानदार होटल में 60 कमरे और 10 सूट है। इस होटल में एक रात का किराया मिनिमम 24,000 और मैक्सिमम 4 लाख के करीब है। इतने पैसे सुनकर आप भी सोच रहे होंगे, इनमें मैं पूरी फैमिली के साथ एक विदेश टूर पर चला जाऊं। दोस्तों, अगर आपको इन होटल्स में रुकने का मौका मिले तो आप कौन से होटल में रुकेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। ओबेरॉय उदय विलास उदयपुर। झीलों के शहर उदयपुर में द ओबेरॉय उदय विलास दुनिया के सबसे अच्छे और महंगे होटलों में आता है। ये रॉयल महल उदयपुर की मशहूर पिछोल झील के किनारे पर मौजूद है। यहाँ रहने के लिए सूट बेहद ही शानदार और खाने में आपको एक से एक देसी से लेकर विदेशी चीजें टेस्ट करने को मिल जाएगी। इस होटल का एक रात का किराया मिनिमम 26,000 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए के आसपास है। ताज लेक पैलेस उदयपुर। उदयपुर की पिछोला झील के बीच में स्थित ये खूबसूरत होटल, इसकी स्थापना 1743 में महाराणा जगत सिंह द्वारा की गई थी। इस महल को ताज लेक पैलेस होटल के रूप में भी जाना जाता है। अगर आप इस होटल में एक रात गुजारने का सपना देख रहे हैं तो आपको बता दें, यहाँ एक रात रुकने का किराया मिनिमम 17,000 रुपए और मैक्सिमम 3,80,000 रुपए के आसपास है। ओबेरॉय राजविलास जयपुर। जयपुर में मौजूद ओबेरॉय राजविलास अपने 280 साल पुराने मंदिर के लिए भी जाना जाता है।
जो भगवान शिव को समर्पित है। आज यह होटल अपने आलीशान 71 कमरों के लिए बेहद प्रसिद्ध है। यहाँ का एक रात का किराया मिनिमम 25,000 और मैक्सिमम 2,00,000 के आसपास है। तो दोस्तों, ये थे भारत के सबसे महंगे 7 होटल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।